हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कुक बुक। मैं हूं आभा और आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बताने जा रही हूं, जिसका कि नाम है मूंग दाल इडली। ये हाई प्रोटीन और लो कैलोरी डाइट है, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए मैंने एक कप मूंग की दाल ली हुई है। ये धुली हुई मूंग की दाल है। इसे मैंने 4 घंटे पहले धुलकर पानी में भिगा दिया था। अब ये पानी पूरी अच्छी तरीके से इसमें सोक कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसे मैं हटा कर इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में इसे डालकर हम पीस लेते हैं। इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इतना ये जो एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है इसे हम गिरा देंगे, वरना हमारा जो बैटर है वो गीला हो जाएगा और इडली हमारी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरीके से इसको मैं अब पीस ले रही हूँ। ये मेरा मूंग दाल का ये बैटर तैयार हो गया है इडली के लिए, ये देखिए। अब मैं इसमें 1/2 कप गाढ़ी दही डाल देती हूँ और साथ में इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं। दही और नमक डालकर हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। मान लीजिए कभी गलती से आपसे थोड़ा सा मूंग दाल पीसने में गीला हो जाए तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। आप इसमें 1-2 चम्मच सूजी डाल दीजिएगा, वो इसको पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमने गैस पर एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है। जो भी वेजिटेबल आप ऑयल आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून मैंने मस्टर्ड सीड डाली है, और ये मस्टर्ड सीड जब क्रैकल होने लगेगी तो ये मैंने चॉप किया हुआ बारीक कटा हुआ मतलब गाजर डाल दिया है। ये लगभग 1/2 कप के बराबर है। गाजर डालकर इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम सॉटे करते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए। अब मैंने इसमें 2 हरी मिर्च और 1 छोटे साइज़ का शिमला मिर्च, उसे भी बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। इसे भी हम थोड़ा सा ऐसे सॉटे कर लेते हैं। फ्लेम हमारी स्लो इस समय नहीं रहेगी, हाई फ्लेम पे हम इसको सॉटे करेंगे इस समय, नहीं तो ये पानी रिलीज़ कर देगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी हींग डाल दे रही हूँ। हींग डालने से क्या होता है कि हमारा ये बहुत मूंग की दाल में हींग बहुत अच्छा लगता है, साथ में थोड़ा सा नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए सॉटे करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, टोटल 4 मिनट से ज़्यादा इसे सॉटे करने में नहीं लगेगा पैन गर्म होने के बाद। अब लास्ट में मैं इसमें हरी धनिया डाल दिया। हरी धनिया डाल के बस इसको हम इस तरीके से स्टर करते हैं और इस पैन को साइड में रख देते हैं। अब मैं गैस के उसी बर्नल पर मैं अपना स्टीमर रख दे रही हूँ, जिसमें कि हमें इडली का सांचा डालकर मूंग की दाल वाली इडली को बनाना है। इसे मैं पहले से रेडी कर देती हूँ, ढक देती हूँ ताकि ये पानी उबलने लगे जब तक कि हमारी आगे की प्रिपरेशन होती है। अब दूसरी तरफ आइए हम देखते हैं। दूसरी तरफ मैं फिर से ये मूंग दाल के पेस्ट की तरफ आ गई। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो वेजिटेबल्स मैंने सॉटे किया हुआ है, इन सारे वेजिटेबल्स को इसमें डाल दिया है। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि हरी मटर या पत्ता गोभी, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। सारे वेजिटेबल्स डालकर मैंने इसको मिक्स कर दिया, इसे साइड में रख दिया। अब मैंने ये इडली का सांचा ले लिया है। इडली के सांचे को मैं अच्छे से इसे ग्रीस कर दूंगी किसी भी वेजिटेबल ऑयल से। ये दोनों सांचे मैंने अच्छे से ग्रीस कर देना है। अब हम सबसे लास्ट में ये 1 इनो का सैचेट इसमें डालते हैं। इनो का सैचेट जब भी हम किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं तो हमें इसे सबसे लास्ट में डालना होता है, ताकि इसके अंदर जो एयर आए वो बिल्कुल बैठ ना जाए। जैसे ही हम इसमें इनो का सैचेट डाल के, ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है ये दाल का पेस्ट कितना फ्लफ़ी दिख रहा है, इसी से हमारी इडली एकदम सॉफ्ट बनेगी। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी इडली बनेगी ये। अब ये मिक्स करके हमें अब टाइम नहीं वेस्ट करना है, हम इसमें तुरंत इसे इडली के सांचे में अपना ये दाल के पेस्ट को ट्रांसफ़र कर देना है। अब इधर मैंने इडली के बर्तन को मैंने पहले ही रख दिया था, ये पानी उबल रहा है। इसमें इडली का सांचा संभाल कर डाल देंगे और 8 से 10 मिनट तक इसको हम गैस पर यूं ही रहने देंगे। 10 मिनट बाद ये मैंने खोला,
ये बिल्कुल मेरा ये रेडी है। वैसे मूंग दाल की इडली बहुत जल्दी पक जाती है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ये आपको दिखा देती हूँ। देखिए चाकू बिल्कुल सूखा निकला है, इसका मतलब हमारी ये इडली तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं प्लेट में। कितनी हेल्दी, लो कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और ऑयल फ्री डाइट ये हमारी रेडी है। इसको धनिया और पुदीने के चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।